गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं मॉर्निंग वॉक एंड रनिंग के लिए। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं और ये देखिए महेंद्रा रनिंग कर रहे हैं और मैं जस्ट क्लिप ले रही हूँ। यहाँ पे अभी भी ना कुछ पौधों में कलर फॉल का ही है, एक दो है हमारे अपार्टमेंट के आसपास। बहुत सुंदर लग रहा है। आज का वेदर बहुत अच्छा है घूमने जाने के लिए, तो हमारा प्लान भी है जाने का। उससे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने इजी वे आज चूज़ किया है। ये एप्पल सिनेमन ओट्स हैं और ये ओरिजिनल ओट है और ये हनी क्रंच है, ओट्स हनी क्रंच। और ये मैंने बादाम का कुछ पाउडर बनाया था बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके, तो इसी को मैं मिक्स एंड मैच करके पानी बॉयल किया है। पानी में बॉइल्ड वाटर में डाल करके मिक्स एंड मैच करके इसका ही ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाएंगे। और साथ ही एवोकाडो कट करूँगी और ये खा करके हम लोग निकलेंगे, नहीं तो जाने में लेट हो जाएगा। ये बॉल्स को मैं ना धो लेती हूँ, या जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ ना उसको मैं धोती हूँ। मुझे लगता है कि कॉकरोच वॉकरोच ना आया हो, ऐसे है नहीं कॉकरोच, फिर भी जब हम गए थे तो उसके बाद आने के बाद घर इतना अच्छे से साफ नहीं हुआ है बहुत अच्छे से। कुछ कुछ कैबिनेट्स मैंने क्लीन किया है बट सारा नहीं किया है, तो मुझे थोड़ा मन में लगता है, बट दिखा नहीं एक भी कॉकरोच, तो शायद नहीं होगा। बट पुराने कहीं ऐसे पेपर में गिरे हों उसके लिए मुझे थोड़ा मन में आता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, हाफ हाफ दोनों टाइप के ओट्स को बॉल में मिक्स कर दे रही हूँ और उसके साथ साथ ये हनी जो क्रंच है इसको भी तोड़ के डाल दूँगी। तो पानी बॉयल करूँगी तो इसमें फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि प्लेन ओट्स में तो कोई फ्लेवर होता ही नहीं है। तो वैसे तोड़ तोड़ करके इसको डाल देती हूँ, तो ये भी यूज़ हो जाएगा और ये हेल्दी सा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बन जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और भीगने के लिए छोड़ देती हूँ। अब इसके बाद में इसमें ये पाउडर भी डाल देती हूँ और मिक्स कर देती हूँ। थोड़ी देर भीगने दूंगी, फिर थोड़ा और पानी डालूंगी, तो ये गर्म रहेगा, नहीं तो ऐसे में कैसे, ये भीगते जाता है तो पूरा ठंडा हो जाता है और पानी भी ठंडा हो जाता है, फिर माइक्रोवेव यूज़ करना पड़ता है। मुझे माइक्रोवेव यूज़ नहीं करना है तो इसलिए मैंने सोचा इसे ऐसे ही थोड़ी देर भीगने दो, फिर उसके बाद एकदम बॉइल्ड वाटर डालूंगी तो ये गर्म रहेगा। और ठंड के दिन में गर्म ब्रेकफास्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और आज सीड में ऐड किया है पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड और एवोकाडोस। स्टील पानी बॉयल होने का वेट कर रही हूँ और इसके भीगने का, तो एक बार और मिक्स कर दे रही हूँ। अभी पानी बॉयल हो गया है तो ये थोड़ा सा पानी मैं इन दोनों में डाल देती हूँ, तो फिर ये गर्म हो जाएगा। मिक्स कर देती हूँ और तुरंत ही ले जाती हूँ खाने के लिए, इससे पहले कि ठंडा हो जाए और टेस्ट चला जाए। चलिए हम एंजॉय करते हैं आज का ब्रेकफास्ट। हॉल की सीटिंग, अब यहीं पे महेंद्रा कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और आपकी चिड़िया तो नहीं आई आज? भूख लगेगी तब आएंगे। भूख लगेगी तब आएंगे, ठंड ज्यादा भी है ना आजकल, कम आते हैं। आजकल पहले से बहुत कम आ रही हैं। तो चलो फिर हम करते हैं आज का अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट। कैसा है ब्रेकफास्ट? अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और आज हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसी जगहों पे जाएंगे, और पहली बात तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम यूएस आएंगे। जब स्टार्टिंग में हमारे करियर में हम लोग को जब अपॉर्चुनिटीज मिलती थी आउट ऑफ इंडिया आने का, तो हमने बार बार मना किया। मैंने तो 4-5 ऑफर्स छोड़े थे यहाँ आने के। मेरा हमेशा कनाडा और यूएस का रहता था, महेंद्र का इंग्लैंड और कनाडा, है ना। तो स्टार्टिंग में हमें इतनी समझ नहीं थी कि हमें बाहर आना है, समझ जाओ आज से 15 साल पहले। और घर छोड़ करके हम लोग मुंबई गए थे, वही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब जब हम करियर में एक्सपीरियंस होते गए, आगे लोगों को देखते गए, तो समझ में आया कि हाँ एक एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है अपने रिज्यूमे में। तो ये सोच करके फिर हमने ट्राई किया। जब ट्राई किया तो आने का हुआ नहीं, और हुआ भी तो महेंद्र का हुआ, मेरा कुछ ना कुछ रीज़न से रह ही गया।
और फिर मैं नहीं आ पाई। उसके बाद सराउंडिंग में काफी सारे लोग आने लगे, तो हमें लगा कि यार ट्राई तो करना चाहिए, एक बार बनता है। फिर महेंद्रू ने भी जिस प्रोजेक्ट में थे उनमें उनका नाम आ गया, तो महेंद्रू को भी वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैंने उसी टाइम पे जॉब स्विच किया और मैंने महेंद्रा को कहा कि आप जाओ, मैं आऊंगी, घूमेंगे फिरेंगे, एक आध साल रहेंगे, एक आध साल के लिए आएंगे घूमे फिरने के लिए, और सबर्टिकल लीव लूंगी कंपनी से और आऊंगी। फिर लास्ट मिनट में जब हमारा स्टैंपिंग हो गया वीजा का, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी जाना है। तो फिर मुझे रिलीज नहीं मिल रहा था, तो महेंद्रू ने बोला कि अब कैसे। तो फिर महेंद्रू बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, आपका जब रिलीज हो जाए रिजाइन का जब, तब आ जाना। फिर हम आए, फिर स्टार्टिंग में लगा कि पता नहीं हम रह पाएंगे कि नहीं। फिर ऐसे थोड़ा 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 करते करते आज 5 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, और हमने कभी सोचा नहीं था ना ईस्ट कोस्ट ऐसे घूमने आएंगे। ऐसे बोलते रहते थे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन ऐसे था कि हाँ ठीक है चले जाएंगे, है ना। और ये भी नहीं सोचा था कि कभी कंपनी चेंज करेंगे, जॉब चेंज करेंगे, है ना, कभी भी नहीं सोचा था। सर्दी हो गई है, गुड जॉब, जलनीति करो, बार बार बोलती हूँ लेकिन सुनते नहीं हो। मैं तो करती हूँ इसलिए मैं हेल्दी हूँ, मुझे सर्दी नहीं है। जबकि मेरा हेल्थ था महेंद्रू से बहुत ज्यादा डाउन रहता था, लेकिन अभी लकली मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है। ये जो फूड हैबिट, योगा वगैरह ये सब जो करती हूँ, शायद इसके कारण बहुत अच्छा है। और मैं यूएस या फिर बाहर अब्रॉड इसलिए नहीं आती थी क्योंकि ये सब कंट्रियाँ बहुत ठंडी रहती थी, तो मुझे ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पहले। जैसे कि मुझे साइनस का इशू था, हमेशा नोज मेरे रनिंग ही रहते थे, मेरे लेग्स में पेन रहते थे, मैं इतनी हेल्दी नहीं थी जितनी थी, तो इसलिए भी डर लगता था। तो हाँ, इतना सारा कुछ जो मैं बता रही हूँ उसके पीछे आज जहाँ हम घूमने जा रहे हैं वहां के लिए स्टोरी है। तो आज हम लोग बहुत फेमस जगह पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं उस जगह का नाम, या फिर कभी ना कभी उनको ऐसा सोचा होगा कि हम भी जाएंगे। तो लेकिन अभी तो बंद है, सीजन कोविड का चल रहा है, तो हम टूर तो नहीं कर पाएंगे उन जगहों का, बट हम बाहर से विजिट कर पाएंगे। तो एटलीस्ट इस कोविड के ड्यूरेशन में हम इतना कर पा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये सोच करके आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ओए आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी। आज हम जा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी। तो हम मोस्टली वो कौन सा हाउस है, कैपिटल हाउस ना, कैपिटल बिल्डिंग, या कैपिटल बिल्डिंग जाएंगे। सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन और उसमें मत जाना नाम पे, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं कैपिटल बिल्डिंग, वही हम बाहर से आउटलुक करेंगे। लेकिन जैसे हम नेविगेट कर रहे थे या फिर कुछ फ्रेंड लोगों ने हमें बताया कि वही ना आसपास बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, प्रेसिडेंट हाउस भी वहीं पे नजदीक में है, लेकिन पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं। लेकिन काफी सारे और भी बिल्डिंग्स है, जस्ट लाइक म्यूजियम वगैरह है वहां पे नियर बाय, तो वो हम देख सकते हैं। तो पता नहीं फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कितना हम लोग कवर कर पाए, क्योंकि कैपिटल बिल्डिंग ही हमारे घर से 2 घंटे के डिस्टेंस पे है ना, 2 आवर लग जाएगा बोला था ना, और हम लोग ऑलरेडी लेट है, अप्रोक्सीमेट 11 o'clock हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 4 घंटे तो आने जाने का लग जाएगा, तो शायद वहाँ पे 2 से 3 घंटा हम लोग स्पेंड कर पाए। तो उतने ही टाइम में हम जहाँ घूम सकते हैं वो घूमने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए मैं रेडी होती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे पास पिक्स अवेलेबल था, तो पिक्स डाला, शूट नहीं कर पाई थी। और ये हम वॉशिंगटन में जस्ट एंटर करने वाले हैं। दोनों तरफ बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, बट लेफ्ट साइड में ग्रीनरी है और राइट साइड में ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ पेड़ है, पत्ते सारे झड़ गए हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, सनी है, ठंड तो है साथ में। और एंटर करते ही हमें स्टेडियम दिखा है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। और ये हम अब जा रहे हैं डाउनटाउन में, डाउनटाउन के साइड में, रोड्स के साइड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है। अब हम पहुंच गए हैं कैपिटल बिल्डिंग के पास वाले एरिया में, जहाँ पे काफ़ी सारे म्यूजियम्स वगैरह हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ बिल्डिंग्स है। तो हम ये कुछ बिल्डिंग्स को क्रॉस करते हुए जाएंगे कैपिटल बिल्डिंग को देखने के लिए। ये बिल्डिंग्स भी काफ़ी खूबसूरत और बड़ी बड़ी है, बट पता नहीं इसमें एंट्री होता है कि नहीं, और इस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आपको अगर कुछ बिल्डिंग्स के नाम पता होंगे यहाँ के तो मुझे ज़रूर बताइए मेरे वीडियो में कमेंट करके। ये भी कोई लॉ बिल्डिंग है आई थिंक, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बिल्डिंग के बारे में। मे बी नेक्स्ट और विजिट्स में मैं इन जगह को बहुत अच्छे से जान पाऊँ, इन बिल्डिंग्स के नाम जान पाऊँ और कैसे एंटर करना है,
यहाँ क्या क्या प्रोसेस है और क्यों फेमस है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन गेट कर पाऊँ। अगर आप सबको ये इन्फॉर्मेशन पता है तो ज़रूर मेरे वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए। और ये हम पहुँच गए हैं कैपिटल बिल्डिंग के पास, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आज हम लोग आए हैं वाशिंगटन DC, ये कैपिटल हाउस है, बट इसका टूर अभी बंद है कोविड के कारण, बट हम लोग यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे पिक्चर्स ली है इस बिल्डिंग के साथ में, मेरी और महेंद्रा की, और एक दो मॉन्यूमेंट और थे बाजू में उन सब का। और मैंने, मेरे पास जो टूल्स हैं, जो ट्राईपॉड है और वायरलेस सिस्टम जो है मेरे पास, उसको यूज़ करते हुए ये सब पिक्चर्स लेने के लिए ट्राई किया है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। ये कैपिटल हाउस के सामने ऐसा बना हुआ है, शायद ये पहले का हिस्ट्री है जो हमें दिखा रहा है, पता नहीं क्या। महेंद्र भी वीडियोग्राफी और शूटिंग कर रहे हैं, अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं मेरे साथ साथ, और मुझे गाइड कर रहे हैं कि किस एंगल से लूँ तो ज़्यादा अच्छा पिक्चर आएगा या फिर वीडियोस आएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा कि ऐसे लोकेशंस पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या फिर शूटिंग कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी इन्जॉय की, और लोग कम हैं तो मुझे अच्छा मौका मिला ये जगह देखने का और शूट करने का और फोटोज़ लेने का, क्योंकि मेरे पिक्चर्स में बहुत कम लोग आए हैं, जैसे वहाँ के लोकल लोग, यहाँ के लोकल लोग, और हम दोनों ही हैं मोस्टली। ये सारे मॉन्यूमेंट्स हिस्ट्री ही दर्शाते हैं। ये जो कैपिटल बिल्डिंग है, यहाँ पे ना यूनाइटेड स्टेट का कांग्रेस का मीटिंग्स होता है, जैसे अपने इंडिया में सांसद भवन है ना, ये उस टाइप का ही है। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस वगैरह जो होते हैं कंट्री के बेनिफिट में, वही सब होता है। जैसे इंडिया का सांसद भवन है, वैसे ही USA का कैपिटल बिल्डिंग है। तो ये अंदर भी देखने जाने देते हैं परमिशन के बाद, विजिटर एंट्री रहता है, बट अभी कोविड के कारण बंद है, इसके कारण कोई एंट्री नहीं है। और ये एंट्री जो होता है वो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, या फिर ऑन द स्पॉट भी जब फ्री रहता है तो वो लोग दे देते हैं, मोस्टली मिल जाता है लोगों को विजिट करने के लिए ऑन द स्पॉट भी। और संडे के दिन यहाँ पर पार्किंग हर जगह फ्री रहता है, स्ट्रीट में भी और सारी जगहों पे, लेकिन अदर डेज आने से पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पेड पार्किंग है, इवन तो कई बार पेड पार्किंग भी बहुत दूर दूर मिलता है। तो जब भी आते हैं तो पार्किंग ऑनलाइन बुक करके आए इस जगह पे, तभी बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा पार्किंग का टेंशन लगा रहता है। और संडे को ये बिल्डिंग्स बंद रहती है, तो संडे को सिर्फ बाहर से आउटलुक लिया जा सकता है, बिल्डिंग के अंदर जा कर के टूर नहीं किया जा सकता है। तो इसके कारण ये ध्यान रखते हुए आए। अभी हम लोग कैपिटल बिल्डिंग का फ्रंट वाला पोर्शन देखने जा रहे हैं, यहाँ पे वॉक कॉफी करना पड़ता है, एक जगह गाड़ी पार्क की है, उसके बाद वॉक करते हुए जा रहे हैं। बैक वाला पोर्शन गए थे तो उधर भी गाड़ी पार्किंग के लिए जगह थी, वहाँ पार्क करके देख लिया, और फिर स्ट्रीट पार्किंग करके अभी फ्रंट का पोर्शन देखने आए हैं। चलिए, कोविड के कारण इसका वो जो टूर होता है वो अभी बंद है। हाँ, और ये टूर का रिजर्वेशन करना पड़ता है, और कई बार ऑन स्पॉट भी मिल जाता है जब ओपनिंग रहती है। हमारे पीछे है, मास्क निकाल लेती हूँ, कैपिटल बिल्डिंग हमारे पीछे है, और बैक साइड से ले रही हूँ तो वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से ले रही हूँ। और हम लोग नियर बाय और जा रहे हैं, कैपिटल सेंटर। यहाँ नीचे विजिटर सेंटर है कैपिटल बिल्डिंग का। इस विजिटर सेंटर में जाने से सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है कि कैसे आप टूर एंड ट्रैवल कर सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर आवर्स क्या रहते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये उसके सराउंडिंग का एरिया है, और यहाँ पे भी गार्डन जैसा बना हुआ है, तो थोड़ा पिक्स वगैरह ले रहे हैं। इसके सामने लेफ्ट साइड में एक और बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे। ये बिल्डिंग बहुत बारी देखा है मैंने मूवीज़ में, शायद आप लोगों ने भी ये बिल्डिंग बहुत बार मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन आई डोंट नो एक्चुअली ये बिल्डिंग है या उसका डमी रहता है, या फिर बहुत सारे ऐसे और भी बिल्डिंग्स होंगे, बट मुझे उस टाइप का ही लगा। और शाम का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, ये 3-4 बजे का व्यू है यहाँ पे, और सामने गार्डन बना हुआ है, वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। और देखिए नीचे से हम लोग जस्ट फोटो और वीडियो का ट्राई कर रहे थे पूरे बिल्डिंग का,
बट बहुत अच्छे से नहीं आ पा रहा था मेरे फ़ोन वाले कैमरा में, बट जितना भी ले पाए उतना हमने कैप्चर किया है। और सन का डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण फ़ोटोज़ और वीडियो बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। ये बिल्डिंग टोटली वाइट कलर की है बट समहाउ बहुत अच्छा पिक्चर और वीडियो नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और शाम होने को ही था, अंधेरा होने को ही था, बट हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ये वो बिल्डिंग है जिसको बहुत बार टीवी में, वीडियोस में, मूवीज़ में देखा है मैंने। ये बहुत सुंदर दिखता है, अट्रैक्टिव लगता है, इसके पिलर्स जो बने हैं और इसके पास जो स्टीयर्स हैं उसमें। और मैं महेंद्रू का यहाँ पे फ़ोटो लेने का और वीडियो लेने का ट्राई कर रही हूँ, साथ ही अपने ट्राइपॉड को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि दोनों का साथ में वीडियोस और फ़ोटो आ जाए। तो ये टूल ने बहुत हेल्प किया मेरा वीडियोस और फ़ोटो लेने में, क्योंकि कितनी बार आप दूसरों से पूछोगे ना कि हम दोनों का वीडियो या फ़ोटो ले लो, तो उससे अच्छा है कि खुद सेट कर दो और रिमोट हाथ में रखो और अपने से ही ले लो जैसा आपको पोस्चर और पोजिशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो ये टूल जो है बहुत हेल्प किया। वाईफाई वाला ट्राइपॉड था मेरे पास, बहुत बढ़िया काम आया। और ये दिन हमने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया, ये सारी जगहें देख करके बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ऑल्दो हम कैपिटल हाउस का विजिट नहीं कर पाए, टूर नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, ये सब भी देखने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, यूनिक एक्सपीरियंस था हमारी लाइफ का। अब हम निकल चुके हैं घर की ओर, ट्रैफिक काफ़ी है बट दैट्स ओके, ट्रैफिक तो रहेगा ही, बीच बीच में काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है, बट हमारे घर से 2 से 2.5 घंटा ही लगेगा। और अब वेदर भी बहुत अच्छा है और धीरे धीरे शाम ढल जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, और आजकल तो बहुत जल्दी अंधेरा होता है, अप्रॉक्सीमेट 5 o'clock अंधेरा हो जाता है। और हमने सोचा है कि हम रास्ते से ही टेक आउट करेंगे, पिज़्ज़ा या कुछ ऐसी चीज़ ले लेंगे जो कि हम खा पाएँ, क्योंकि दिन में भी लंच नहीं किया था, फ्रूट खा लिया था और ब्रेकफास्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी हम रास्ते से टेक आउट लेंगे, मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी, फ़ोन में ही ऑर्डर कर दूँगी थोड़े देर में, ताकि हम लोग के लिए रेडी रहे और हम पिकअप करके ले लें। मैंने स्टारबक्स से कॉफ़ी ले लिया अपने लिए और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, पिज़्ज़ा भी पिकअप कर लिया है। ये देखिए वो पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी और यम्मी था। वीडियो तो नहीं ले पाया क्योंकि गाड़ी से ही मैंने ये फ़ोटोज़ लिए हैं स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में, और हमने गाड़ी में ही खाया पिज़्ज़ा। अब घर आने के बाद थोड़ा शांति से खा रहे हैं। अभी रात के 8 बज गए हैं और हम लोग टेकआउट लेकर के आए हैं पिज़्ज़ा, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कितना बड़ा पिज़्ज़ा रहेगा, मीडियम साइज़ मतलब काफ़ी बड़ा आ गया हम लोग के लिए। और चिकन पिज़्ज़ा मंगाया तो बहुत सारे चिकन के उसमें पीसेस थे, जिससे कि और ज़्यादा हो गया हम लोग के लिए, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें वो या तो कल खाना पड़ेगा या फिर फेंकना पड़ेगा, तो लेट्स सी कैसे करते हैं। और पिज़्ज़ा बहुत 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 यम्मी था, बहुत डिलीशियस था, चिकन पिज़्ज़ा मैंने ऐसा वाला कभी नहीं खाया था, बहुत ही टेस्टी लगा। और हाँ, ट्रिप के बारे में बोलती हूँ, ट्रिप बहुत अच्छा था, वहाँ जा करके ना बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड चीज होता है लाइफ में तो कैसे लगता है वैसे ही लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सोचा यार लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है हम लोगों ने भी, हम लोग भी कुछ माइलस्टोन कंप्लीट करके आए हैं। ऑल्दो ये जॉब मेरा नहीं है, मैंने यहाँ आना अचीव नहीं किया, महेंद्र नहीं किया है, बट स्टिल मैं उनके सक्सेस को इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्या रीजन रहा होगा या जो भी बोल सकते हैं, किसी का भी सक्सेस हो लेकिन इंजॉय तो मैं भी कर रही हूँ, और मेरा एम है कि हर टाइम लाइफ को इंजॉय करते रहूं। तो हमारा ट्रिप तो बहुत अच्छा था, सुबह भी ब्रेकफास्ट कुक नहीं किया और लंच तो हम लोग ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह खा लिए, क्योंकि घूम रहे थे तो भूख भी नहीं लगी, तो पानी पी लिया और थोड़ा फ्रूट्स लेके गए थे वो खा लिया, और शाम को आते समय जम के भूख लगी थी तो हमने पिज्ज़ा लिया। और वहाँ पे उसे पूछा कि हम यहाँ बैठ के खा सकते हैं क्या, कोई नहीं था इसलिए पूछा, लोग नहीं थे कोविड के कारण तो पूछा, तो बोले कि नहीं हम 1 आवर में क्लोज करने वाले हैं। तो मैंने महेंद्र को बोला चलो हम गाड़ी में ही खा लेते, और आते ही मैं पिज़्ज़ा पे टूट पड़ी, मुझे बहुत भूख लगी थी, ठंड भी थी और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा था, और गर्म गर्म पिज़्ज़ा खाने का टेस्ट ही बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है।
और जो उसमें टॉपिंग्स था ना, चीज था और क्रीमीनेस था, कुछ क्रीम डाला था और वेजिटेबल भी था, बहुत बढ़िया लग रहा था पिज्जा। तो आज का हमारा बहुत बढ़िया ट्रिप रहा। महेंद्र को पूछते हैं उनको कैसा लगा। आओगे क्या? क्योंकि चेयर लगा हुआ है तो आप ही बैठ करके अपना एक्सपीरियंस बता दो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, ईस्ट कोस्ट का पहला ट्रिप था, फर्स्ट ट्रिप ना एकदम। यानी वो लास्ट टाइम गए थे तो हम लोग खोजते खोजते गए थे लेकिन कुछ मिला नहीं था, वो ट्रिप थोड़ा ऐसे फ्लॉप हो गया था, लेकिन ये वाला बहुत ऑसम ट्रिप था ना। हाँ, ये बहुत सही था, वेदर भी सही था, एकदम ज्यादा ठंड नहीं था। तो हम लोग आराम से वॉक कर पाए और हमारे बकेट लिस्ट में ये था, है ना, वॉशिंगटन डीसी हमारे बकेट लिस्ट में था इसलिए। लेकिन अभी उसके मेन कुछ मेन प्लेसेस अभी भी बचे हुए हैं, व्हाइट हाउस बचा है और कुछ तो और अच्छी जगह है। बट हमें निकलते ही 12 बज गया था, 2:30 बजे पहुंचे, 2 घंटे में अंधेरा हो गया, फिर हम लोग वापस आए। लेकिन भूख नहीं लग रहा था ना ऐसे लंच के लिए, सिर्फ कॉफी पीने का मन ही आया ना, चली रहे थे ना, ऐसे भूख नहीं लग रहा था। बड़े हम गाड़ी में आकर के थोड़ा सा खाए बिस्किट्स और फ्रूट, लेकिन ऐसे भूख नहीं लग रहा था। पिज्जा कैसा था? पिज्जा बहुत अच्छा था, मजा आ गया पिज्जा खा के। awesome. इटालियन पिज्जा था, मतलब ऐसा टेस्ट एकदम अलग से था, मतलब उनका। हमने कितनों पिज्जा खाए होंगे ना, मतलब पिज्जारिया से भी बेटर लगा, हमें पिज्जारिया का पिज्जा ज्यादा पसंद है। ये जस्ट ट्राई किए थे, देखते हैं कैसा लगता है। और ये ऐसी मतलब चेन नहीं है इस रेस्टोरेंट का, राइट? ऐसी पता नहीं, वो तो मुझे डिटेल नहीं पता। मैंने देखा ना, इटालियन पिज्जा था तो चिकन टॉपिंग, इतना चिकन का टॉपिंग तो कभी नहीं देखा था ना, कितना चिकन पिज्जा लिया था लेकिन थोड़े थोड़े टॉपिंग्स रहते थे उसमें, राइट? इवन वेजिटेबल के भी टॉपिंग्स थोड़े रहते, इतना सारा टॉपिंग था चिकन का ना कि दो स्लाइस में ही पेट पूरा, आपका पेट और मेरा तो ओवरफ्लो हो गया था, है ना, इतना हो गया था, राइट? लेकिन टेस्टी लग रहा था, मैंने खा लिया दो स्लाइस। चलो यू कंटिन्यू दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। बहुत अच्छा था ना, तो टायरिंग नहीं लगा हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं थोड़ा कॉफी वगैरह पीऊंगी, महेंद्रा बना रहे हैं कॉफी, और रिलैक्स करूंगी, फिर सोने की तैयारी। तो आज का दिन तो बहुत अच्छे से गुजर गया। ये जो मैं क्या बोलूँ, थैंक्सगिविंग का वीकेंड था, हमें लगा था कि हम कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसी टाइम में हर साल हम घूमने जाते हैं, इस साल नहीं जा पाएंगे ऐसा लगा था, बट हमने डे ट्रिप कर लिया, बहुत मज़ा आया और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आज इस जगह का हमने बहुत नाम सुना था, उस जगह को विजिट करना। तो आप लोग भी खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।